नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ताइवान पर सबसे बड़ा फैसला आ गया है। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या हुआ ताइवान का डब्ल्यूएचओ की जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली थी उसमें क्या शामिल किया गया है नहीं, वो तो बताऊंगा। साथ ही भारत ने क्या ताइवान का समर्थन किया है नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कुछ खास हुआ है। जी हाँ, ये भी बताऊंगा। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप क्यों भड़क गए हैं। जी हाँ, उन्होंने WHO को परमानेंटली छोड़ने की बात कह दी है, कि ये भी कहा कि वो फेल रहा है COVID-19 को संभालने में, तो इसलिए हम उनकी फंडिंग परमानेंटली भी रोक सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, तो इस पर भी बात करेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि मैंने जो आपसे वादा किया था 7th फ्लीट डिटेल वीडियो को बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वीडियो के बाद आप उसे देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और हाँ, वो फेस कैम वीडियो मैंने पूरे चेहरे से अपने वो वीडियो बनाई है खुद सामने रहकर। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक तरीके से क्या ताइवान को शामिल किया गया है WHO की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। तो दोस्तों नहीं, उन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया है, उन्हें शामिल नहीं किया गया है। चीन ने इसे मुद्दा बना लिया था अपनी खुद की अस्मिता का, ये कहकर कि ये तो अगर मतलब कि हम बाहर ही हो जाएंगे और अपने समर्थक देशों को भी WHO से बाहर निकाल लेंगे अगर ऐसा हुआ तो WHO को यहाँ पर बैकआउट करना पड़ा। और दूसरी बात, इसमें भारत का रोल बहुत ही क्रिटिकल रहने वाला था, लेकिन इसकी कैंपेनिंग शुरू ढंग से नहीं कर पाया अमेरिका। जी हाँ, इसकी कैंपेनिंग अभी कुछ 5-7 दिन से पहले से स्टार्ट की थी। जिस तरीके से चीन के खिलाफ जांच के कैंपेन अमेरिका ने 15-20 दिन पहले, लगभग एक महीना हो गया था, स्टार्ट कर दिया था, भारत को उसमें इनफ समय मिल गया था, रूस को, इसके अलावा ईस्टर्न यूरोप के देशों को और कुछ अफ्रीका देशों को मनाने के लिए, लेकिन इसमें अमेरिका ने भारत को समय दिया। कुछ 3 दिन पहले तो भारत खुद राजी हुआ इस मसले पर। तो ऐसे में इसमें यही रहा कि एक लैक ऑफ प्लानिंग इसमें दिखी, जिसकी वजह से ताइवान इसमें शामिल नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका ने कहा है कि वो फिलहाल संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशन में ताइवान को शामिल करवाने के लिए जो उसका कैंपेन है वो स्टार्ट कर चुका है, और उन्होंने कहा कि वो होप करते हैं कि 102 सालों में शामिल हो जाएगा। तो मुझे इसमें लगता है कि उसमें ज़्यादा दम होगा कैंपेन में, क्योंकि उसमें भारत को भी इनफ समय मिलेगा, अच्छा सा मतलब कि अपने जितने भी एलाय हैं पूरी फील्डिंग सेट करने में भारत के पास इनफ समय होगा और अमेरिका के पास भी, और अमेरिका भारत एक टीम बनकर इसमें काम करेंगे। अब बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर WHO को छोड़ने की धमकी दी है परमानेंटली, और साथ ही ये भी कहा है कि वो परमानेंटली इसकी फंडिंग भी रोक सकते हैं, क्योंकि एक तो ताइवान वाला इशू हो गया और दूसरा इसने सही से संभाला जिस तरीके से WHO ने साइड ली चाइना की इसको लेकर भी। तो दोस्तों यही कुछ डिटेल थे। इसके अलावा आप बात करें तो भारत के समर्थन की, तो वोटिंग ही नहीं हुई, तो अगर वोटिंग होती ताइवान शामिल होता तो बात दूसरी थी। भारत ने हालांकि समर्थन तो कर दिया था, लेकिन जब इंक्लूड नहीं किया गया तो फिर भारत आगे वोटिंग वगैरह में कैसे भाग ले सकता था। तो यही बात थी। इसके अलावा आप बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है 7th फ्लीट का, दुनिया की सबसे बेहतरीन सबसे प्रीमियम लाइन हथियारों की एक पूरी फ्लीट है, उसे आप देखना मत भूलिएगा। चीन को सबसे ऑर्डर 7th फ्लीट से लगता है, तो उसकी डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वो फेस कैम वीडियो है, जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, हिंदी फैक्ट्स शो चैनल को। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।